हम अपना ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो हम हैं रिया शुक्ला उर्फ नाटी पिंकी. तो और तो पिंकी पिंकी से आप मिल ही चुके हैं. पिंकी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही हंसी मजाक करती रहती हैं. और ये पिंकी के दोनों खास लोग हैं जो कि स्टोरी में पता चलेगा. और ये बहुत बदमाश है, ये मुझे परेशान करते हैं बीच बीच में. बट ये बहुत ये अभी हो गए, ये पहले नहीं थे ऐसे. हाँ, तो बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको हंसाएगी, रुलाएगी और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको मैसेज भी देगी. आईफिल टावर और कुतुब मीनार वही बीच में फंसा ताजमहल. ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है. एक आप हर आम इंसान इससे कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लैविश परिवार है और एक अलग आउट ऑफ द वे जाके हम लोग स्टोरी दिखा रहे हैं. एक नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल लोगों से जुड़ी हुई स्टोरी है जो कि हर इंसान उससे, हर लंबा और छोटा इंसान उससे रिलेट कर पाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सा इशू है हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है. बट हम चाहते हैं कि उस चीज़ को इशू ना माना जाए और उसकी क्वालिटीज़ को देख के इंसान अपने आप को इम्प्रूव करे और आगे बढ़े. ये मोटिव है हमारे शो का. मेरा कैरेक्टर, मैं अर्जुन प्ले कर रहा हूँ इसमें, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा बाकी सब से अलग रहेगा क्योंकि सब काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं सभी के. और मेरा किरदार जो है थोड़ा सा थोड़ा कम इमोशनल है. ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, टफ दिखाता है लेकिन इंटरनली इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. या कोकोनट सो उस तरह का है. और काफ़ी पास में कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो चुका है. और इसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसे वो पालता है, ब्रेड विनर है. और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिंकी की लाइफ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सॉल्व करे. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शो देखने के बाद पता पड़ेगा, जो कि 27 जनवरी रात को 9:30 बजे आने वाला है, ज़रूर देखें. रिया को आप देख ही रहे हैं, नाटी भी सही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि नाटी की जगह अगर प्यारी पिंकी की लंबी लव स्टोरी होती तो गलत नहीं होता आई थिंक, क्योंकि ये सच में बहुत ही प्यारी है. क्योंकि हमारे देश को नाटे शब्द की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने नाटा ज़रूर ऐड किया. तो यार मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चटपटी बातें हो रही हैं उन सब के साथ में बहुत ही एक अहम मुद्दे को रखने की कोशिश की है कि सोसाइटी में किसी की हाइट छोटी है या किसी का कलर डार्क है, उसे उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए, जो कि बहुत गलत इम्प्रेशन डालता है. और ये आई गेस हमारे देश का नहीं, आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड में ये मुद्दा चलता है. तो पिंकी ने अपने कैरेक्टर के थ्रू, कि जो कि जैसा आप देख रहे हैं हमेशा स्माइल करते रहती है, ज़िंदा दिल है, पॉजिटिव है और हंसती है, हंसाती है. उसे पता है कि उसकी हाइट छोटी है, लोग उस पर टॉन्ट करते हैं, बट स्टिल उसको पावरफुली ओवरकम करती है, जो कि बहुत ही आई थिंक मोटिवेशन होगा बाकी लड़कियों के लिए जिनकी हाइट कम है. तो यार ये अच्छा है. एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं सोसाइटी में हल्की फुल्की चटपटी मस्ती के साथ में. तो नाटी पिंकी भी एक तरह से छोटी गोरखा ही है अपने परिवार की. तो बस ये इसके ना हाथ में, ना इसके हाथ में बंदूक है, ना हाथ में इसके कोई बॉम्ब या कोई बड़ी जैकेट है, सिर्फ इसके पास एक जिंदा दिल है और एक जुबान है जो कि गोलियां चलाती है, और एक मुस्कान है. तो मुस्कान, जुबान और जिंदा दिल के साथ आप लोगों का दिल जीतेंगे.